आप तो टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें जो बताया गया कि आप लोग भी नहीं आते अच्छी बात है। ये डीएलएड के बच्चे थोड़ा किया था वॉशरूम वगैरह साफ रह रहे हैं सफाई खाली मेरे आने से हुई होती है। स्वीपर ऊपर आते हैं कितने स्वीपर रखे हैं आप? दो थोड़े कम है और बढ़ाइए ठीक है। आपके यहाँ पैसे कमी नहीं है आपको बताइए आपका इतना रिसोर्स है। सर अभी हमारे पास 40 लाख है और उन्होंने 75% दे दिया उसको वहाँ पे सेंट्रली टेंडर होगा काम इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा स्वीपर और बढ़ाइए ठीक है। सफाई वहाँ पे महोदय भी हैं भागलपुर के, मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया है कि बीच बीच में आके आप लोगों से मिलते रहेंगे और डीडीसी साहब भी है यहाँ पे। ये सेकेंडरी स्कूल है ये प्राइमरी स्कूल हम लोगों को बांका में मिल गया। बाहर से राज्य के बाहर से कोई है? कहाँ से? यूपी से। कहाँ से? यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर और कहाँ से? लखनऊ, गोरखपुर, हमीरपुर, कन्नौज पूरा आ गया है। चलिए तो बिहार आगे कैसा लग रहा है यूपी वाला? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए वेरी गुड। अब आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है करीब 14 घंटे होगा। सुबह 5:30 बजे जगा देते हैं लोग और 7:30 तक करते हैं तो थकार हो जाती होगी। आपका बीपीएससी से क्वालिफाइड पूरी जनता आप लोगों को बड़ी आशा से देख रही है। बच्चे को पढ़ा के घंटी बंद करके दरवाजा बंद करके स्कूल का भाग आना टीचर को शोभा नहीं। भले ही आप 4 बजे 5 बजे तक खत्म करें लेकिन आपने बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी नहीं करनी। देखिए बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अभी डीएम साहब से भी बात हो रही थी, जिलाधिकारी महोदय आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं सुपौल और आज भी वो याद करते हैं और हम सब याद करते हैं जो हमारे अच्छे टीचर थे उनको आज भी रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है। आपकी समाज में बड़ी इज्जत है अगर आप ठीक से पढ़ाएंगे ना गाँव के बच्चों को तो गाँव की जनता बड़ी इज्जत करेगी समझे आप। तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बड़ा सम्मान मिलता है तो इसलिए आप मेहनत करेंगे तभी होगा। आपको बहुत घर जाके भी आपको बहुत काम करना है। जैसे आपको अगले दिन क्या पढ़ाना उसका लेसन प्लान तैयार करना है, आपने एग्जाम लिया होगा मासिक परीक्षा उसकी कॉपियां चेक करनी होगी, होमवर्क लिया होगा होमवर्क देखना होगा, वीकली टेस्ट हमने निकाल दिया है वीकली टेस्ट लेना होगा और कमजोर बच्चा है तो उसको समझाना कि भाई तुमने गलतियां कहां की ठीक है। मिशन दक्ष के बारी 9वीं में हमारे बच्चे पहुंच गए हैं, एक वर्ड नहीं पढ़ सकता है वो ड्रॉप आउट होगा 10th। हमने उसको धोखा दिया, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका पिता मजदूर था नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी नहीं पढ़ी, हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहां भेज, हमने उसको नहीं पढ़ाया। वी हैव लेट हिम डाउन। अब नहीं होना चाहिए, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। अब 8वीं में आ गया 9वीं में आ गया एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा तो क्या बनेगा? मास्टर तो बनेगा नहीं है ना। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत? तो ये ध्यान रखिए, बड़ी उम्मीदें जनता को और सरकार को। एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी सैकड़ों साल तक, डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को किसी को 10 में से 10 दे देना, 10 में से 2 देना, टीचर का काम यहां खत्म नहीं होता है, यहां से शुरू होता है कि जिसको 10 में से 2 नंबर मिले हैं तो जो बाकी 8 सवाल उसने जो गलत किया है उसको बुलाइए आज क्लास के बाहर, बेटा तुम रुकोगे हम तुम्हें बैठा के समझाएंगे एक ही सवाल में क्या क्या गलती, समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं 14 घंटे यहां आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये जहां पे आप इस तरह कर रहे हैं करेंगे पढ़ाएंगे ना वहां पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके अभिभावक जीवन भर आपको याद रखेंगे कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ा हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा जैसे डीएम साहब याद करके हमने टीचर से। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और बाकी तो हम बोल चुके हैं
सबको विद्यालय तो मिल ही गया होगा आप लोगों को, विद्यालय देख लिया है, कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है, अच्छा लगा, तो गांव में रहोगे? कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया? ले लिया ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहे, ठीक है? क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट है, इसका ये मतलब नहीं आप ACS ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर पर रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज्यादा रहता। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको, अगर आप टीचर बतौर टीचर वहां के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी, वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहे, समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा, तो गांव में रहिएगा और तो पढ़ा पाएगा, ठीक। अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो आप गलत जगह आ गए, ठीक। आप लोगों की सबकी पोस्टिंग गांव में हुई है ना, किसी को गलती से शहर का विद्यालय तो नहीं मिल गया? हम लोग शहर में तो तरह तरह के एवेन्यूज है, बच्चों को पढ़ने ही होगा, दोनों होता है। मेरे शाम को कल्चरल एक्टिविटी भी कुछ कराते हैं आप लोग, ठीक, कभी कभी ठीक। और मैंने कहा था कि मोटर ड्राइविंग का भी यहाँ शुरू कराई, सारों को महिलाओं लेडीज में उन्हीं के लिए मेन टारगेट करना होगा, क्योंकि लेडीज भी तो 35% आ ही गई है और प्राइमरी में तो 50%। तो इस प्राइमरी के बैच में एक लेडी क्यों नहीं देख रहे हैं लोग? ऐसा अच्छा दूसरा, अच्छा लेडीज आप लोगों ने अच्छा कमरा अलग कर दिया, लड़की यहाँ सेंटर कर रहे हैं और लड़की हमारा जो अलग एक जगह और चल रहा है वहाँ पे सारी लड़की मिक्स क्यों नहीं? सर आवासन की प्रॉब्लम, हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अलग नहीं? सर यहाँ जो हॉस्टल है सर उसमें राजकीय ओबीसी कन्या आवासीय उच्च विद्यालय दूसरे डिपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है तो कराइए, जनरली लेडीज का कंबाइंड बैच ही कराइए। हाँ मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि महिलाएं और पुरुष साथ बैठ के क्लास लें। थैंक यू एवरीबॉडी, नाइट सेंटर में यहाँ सर स्मार्ट सिटी से सर एक सर नाइट सेंटर बना है सर, उसमें हॉस्पिटल के पास उसमें एक हॉस्पिटल का जो पेशेंट अटेंडेंट होगा उसको रहने के लिए 6 बेड, हम लोग 100 बेड का है, बहुत नहीं अच्छी बिल्डिंग है अच्छी बिल्डिंग है ठीक है। तो वो यहाँ से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर उसको बनकर हो जाता है, कौन कितने लोग वहाँ से बिल्कुल 5 के बाकी यहाँ आप लोग यहीं रहती हैं कैंपस में? नहीं सर क्वार्टर में, ठीक चलिए गुड वेरी गुड। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इधर भाई साहब ये फोन है तो ये तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या मिलेगा वो ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम शुरू करा दिए आप? हाँ सर हमने इसमें बनवा लिया ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के और इस पे कराए दीजिए, ये गाड़ियाँ हमेशा सर नहीं सर आज ही लगी है इधर कराइए, पीछे भी है, पीछे भी कराइए। थैंक यू इनको प्लीज सर।